एक्टिव न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं सुरेश पठानिया स्वागत करता हूं। सुरक्षा की दृष्टि से पठानकोट शहर एक संवेदनशील शहर है व इसका बस अड्डा जहाँ के जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान के पास बॉर्डर क्षेत्र से अनेक लोग आते जाते हैं, इसलिए बस अड्डे की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सरकार द्वारा सुरक्षा प्रबंध के नाम पर मात्र दो तीन पुलिस मुलाजम, एक ASI तैनात है व एक छोटी सी पुलिस चौकी है। इस बस स्टैंड में आने के लिए तीन मार्ग हैं, एक बसों के आने के लिए, एक बसों के जाने के लिए, तीसरा मार्ग यात्रियों के लिए है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि इस मार्ग से कोई भी यात्री कहीं से भी अंदर आ सकता है व ऐसा देखा गया है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। और जो एंट्री पॉइंट मुसाफिरों के लिए है उसमें भी किसी प्रकार का कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है, ना ही मुसाफिरों की सामान की तलाशी के लिए कोई महिला या जेंट्स कर्मचारी नियुक्त है। ऐसे में बस स्टैंड की सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन मार्क पैदा होना स्वाभाविक है। बस स्टैंड की सुरक्षा संबंधी हमारे सहयोगी विशाल मेहरा ने एक स्पेशल जाँच की, पेश है उस जाँच की एक रिपोर्ट। एशिया कप अज बिल्कुल आप देख सकते हैं, एक तो दस में टूटे हुए खाली शराब की बोतलें यहाँ आप देख सकते हैं, दिखा सकता हूँ शराब की बोतलें इस समय यहाँ पठानकोट बस स्टैंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शराब की बोतलें और खाली प्लास्टिक यहाँ पे देखिए बिल्कुल पड़ी हुई है।